आप सभी लोगों का वेलकम है सैनी नर्सरी पे। तो आज हम देखेंगे यहाँ पे हमें किस किस तरह के प्लांट देखने को मिलेंगे। और जैसा कि आपको पता है, ये समर का समय चल रहा है, तो समर के फ्रूटिंग और फ्लावरिंग प्लांट देखेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमें कुछ प्लांट देखने को मिल गए हैं जो कि कल्ली आए हैं है। और देख सकते हैं यहाँ पे अभी 12 बज रहे हैं दोपहर के, और काफ़ी तेज़ गर्मी हो रही है, और इस समय प्लांटों पे शावरिंग की जा रही है ताकि प्लांटों में नमी बनी रहे और कूलनेस बनी रहे। तो आप सब लोग सोचते होंगे कि नर्सरी पे बहुत अच्छे से प्लांट फ्लावरिंग और फ्रूटिंग कैसे करता है। उसका राज यही है कि ये समय समय पे इस पर शावरिंग करते रहते हैं ताकि प्लांट जो है उनमें नमी बनी रहे। और दूसरा ये कारण होता है नर्सरी पे, क्योंकि जब भी ये गमले रखते हैं ना, तो ये कच्ची मिट्टी में गमले रखते हैं। आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे कच्ची मिट्टी में गमले रख रखे हैं। तो जो गमला अपनी फीडिंग लेता है ना, वो नीचे जड़ों जो उसकी गमले से निकल जाती हैं नीचे से, और वहीं से प्लांट जो है अपनी फीडिंग लेता है। तो यही कुछ राज होते हैं नर्सरी वालों के, जिससे काफ़ी अच्छे से यहाँ प्लांट सर्वाइव करते हैं। पर हम अपने घर में ले जाते हैं तो वहाँ हमें पक्की ज़मीन मिलती है जो फ्लोर टाइल लगे रहते हैं, और उस पर हम गमला रखते हैं, तो वहाँ हमको उस तरह का रिजल्ट नहीं दिख पाता है जैसा कि हम नर्सरी पे देखते हैं। तो चलते हैं कुछ प्लांट हम देखते हैं इस समय नर्सरी पे हमें कौन कौन से प्लांट देखने को मिलेंगे। तो चैनल पर बने रहिए, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्टिंग करते हैं अपने प्लांट गोमफ्रीना से। तो ये है गोमफ्रीना, तो आप देख सकते हैं इस प्लांट पे बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग होती है, गोल से फ्लावर आते हैं। और अभी ये छोटे साइज के प्लांट हैं, तो आपको अभी कुछ ज़्यादा फूल नहीं दिख रहे होंगे। मैं आपके स्क्रीन पे एक फ़ोटो लगाता हूँ जो कि ये बड़े साइज़ के होने पे कैसे प्लांट दिखते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के ये प्लांट दिखेंगे जब बड़े हो जाएंगे। तो इधर देखिए, इधर ये है जैस्मीन, देखिए इसको जैस्मीन भी कहते हैं और बेला भी कहते हैं, कई नाम से इस प्लांट को जाना जाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें भी बहुत अच्छे से जो है ब्लूमिंग हो रही है, और देख सकते हैं प्लांट पे ढेर सारी कलियां आ रही हैं, और इस पर बहुत ही तेज़ खुशबू आती है। देख सकते हैं कलियां बनी हुई हैं, और इस प्लांट की जो केयर है कोई ज़्यादा नहीं करनी है। और ये प्लांट नर्सरी पर 30 रुपये में बहुत ईजिली मिल जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्लांट पे। तो ये देखिए, ये है रोजमोस। रोजमोस में हमारे को बहुत सारे कलर देखने को मिल जाते हैं, येलो, रेड, पिंक। और इधर देखिए, ये है कोचिया। तो ये सब जो आप प्लांट देख रहे हैं, ये सारे समर प्लांट हैं, और इस समय आपको नर्सरी पे बहुत ही इजीली देखने को मिल जाएंगे। तो ये सब प्लांट लगा के आप अपने टेरेस गार्डन या बालकनी को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। और ये प्लांट आप देख रहे हैं, ये नर्सरी पे आपको 30 रुपये, 50 रुपीज़, इन कई रेटों में आपको देखने को मिल जाएंगे। इनके जो प्राइस होते हैं वो इनके साइज़ से भी किए जाते हैं कि आप कौन सा प्लांट ले रहे हैं, और वो पॉली बैग में लगा हुआ है या फिर गमले में लगा हुआ है। तो चलते हैं, हम आपको और भी खूबसूरत प्लांट दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये है बोगनवेलिया। तो ये प्लांट आपको नर्सरी पे इस समय बहुत ही खूबसूरत देखने को मिलेगा, और इस प्लांट में बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग होती है। तो आप देख सकते हैं इस प्लांट में काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है, और ये प्लांट आपको कई कलरों में देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको रेड, गुलाबी, कई कलर देखने को मिलते हैं। फिर इधर देख सकते हैं, ये है हमारे देसी रोज, जिसे हम सिंपल भाषा में कहें तो मिनिएचर रोज भी कहा जाता है। तो ये भी नर्सरी पे आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इस तरह के जो है प्लांट बाय कर सकते हैं, और ये समर में आपको ब्लूमिंग देंगे, और जब इनका विंटर आएगा तो ये ज़्यादा ब्लूमिंग देंगे। पर अगर आप गुलाब के शौकीन हैं तो इस तरह के भी प्लांट आप नर्सरी से बाय कर सकते हैं। इनका जो प्राइस है वो 50 से 100 रुपीज़ प्लांट आपको मिल जाएगा। फिर साइज प्राइस पे मैटर करता है कि आप किस पोर्ट में ले रहे हैं, पोर्ट का साइज क्या होता है, या पॉली बैग में लेते हैं। तो आप अपने नर्सरी पे पता कर सकते हैं। ये प्लांट आप देख रहे हैं, ये 50 रुपीज़ प्लांट है जिनमें अच्छी से ब्लूमिंग हो रही है,
और कलियों पे आया हुआ है, तो आप इस तरह के प्लांट बाय कर सकते हैं। बाकी इंग्लिश रोज आप विंटर में खरीदे, समर में इंग्लिश रोज का टाइम नहीं होता है, तो आप जब भी नर्सरी से इस समय अगर बाय करते हैं तो आप देसी जो है रोज वो ही बाय करें, आप जो है इंग्लिश रोज ना बाय करें, क्योंकि समर में वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं इधर ये कई प्लांट जो है बोगनवेलिया की कटिंग लगाई हुई हैं। तो आपको कुछ नर्सरी समर में इस समय इस तरह की देखने को मिलेगी। मैंने आपको जो जो प्लांट नर्सरी पे आए थे मैंने वो आपको सारे प्लांट दिखा दिए हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पे सेलेक्ट करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो जल्दी आपसे मुलाकात होती है एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।